प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पावन वेला में आप एक बार गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्यारे विद्यार्थियों, देखो इस संसार में एक बहुत ही शक्तिशाली चीज है जिसके लिए मनुष्य काम करता है। बचपन में जो भी बच्चा होता है उसका मन बहुत चंचल होता है, वो अपने मन से ही काम लेता है। जैसे जैसे वो जवान हो जाता है तो वो आदतों से ही अपना काम करता है। किसी को कहते हैं कि सिगरेट पीने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है, तथा यह जो आदतें हैं गंदी आदतें हैं। क्योंकि उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि तुम्हें यह क्यों आदत है, वो कहेगा कि शुरू से पी रहा हूँ, अगर ना पीऊँ तो मुझे सिर में दर्द होने लग जाता है। वो छोड़ना चाहता है पर वो छोड़ नहीं सकता। तो आज हम सीखेंगे कैसे गंदी आदतों को छोड़ा जाए और कैसे एक अच्छी आदत को बनाया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी अच्छी अच्छी आदतों की। जितने भी अच्छी अच्छी आदतें हैं उनकी हमें एक लिस्ट बना देनी पड़ेगी। मान लो कि आप सुबह उठना चाहते हो, सुबह उठना, 4 बजे उठना एक अच्छी आदत है। इसके अलावा हर कर्मचारी के साथ, ना सिर्फ कर्मचारी के साथ, मनुष्यों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना है, वो भी एक अच्छी आदत है। हाँ, कोई आपका बॉस हो सकता है या आप किसी के बॉस हो सकते हो, तो व्यवहार आपका अच्छा रहे उसके साथ, तो यह एक अच्छी आदत है। ऐसे ही अच्छी सेहत बनाना, यह भी एक अच्छी आदत है। लोगों को सत्संग की तरफ लेके जाना, यह भी अच्छी आदत है। तथा टीम में काम करना, यह भी अच्छी आदत है। तो इन अच्छी आदतों को कैसे बनाया जाए, इन की सबसे पहले आपने एक लिस्ट बना ली। अब फर्स्ट जो स्टेप होगा अच्छी आदत को बनाने के लिए, सबसे पहले है डिटर्मिनेशन, संकल्प। इंसान अपनी दो मुट्ठियों को बंद करे, लंबा सांस ले और कहे कि हाँ, इस दिन तक, इस महीने तक, इस एक साल तक मैं यह काम कर लूंगा। ये आपका संकल्प है। जैसे मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और मैंने कहा कि मैं अपने मन को साक्षी रखकर, अपनी आत्मा को साक्षी रखकर यह वचन देता हूं कि मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, चाहे किसी के पैसे देने हो, चाहे किसी से पैसे लेने हो, कुछ भी हो, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। ये मनुष्य का संकल्प है। जब वो संकल्प मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसका एक प्रॉमिस हो जाता है। मान लो आपने किसी के पैसे देने हो तथा उसने आपकी जायदाद आपके पास गिरवी रख ली, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो जायदाद आपके कब्जे में चली जाएगी। ऐसे जब इंसान संकल्प लेता है, प्रॉमिस करता है, तो उसकी आत्मा उसकी को गाली निकालती है कि ए मूर्ख इंसान, तूने संकल्प क्यों किया। तो उस तरह आप बाउंड हो जाओगे। आपने अपनी आत्मा को साक्षी रखकर एक वचन देना है कि हाँ, यह अच्छी आदत है और यह मैं अपनाऊंगा इतने महीने में, इतने दिन में, क्योंकि रिटर्न हो जाएगा कि एक साल में यह मैं बदल जाऊंगा, इसको करूंगा, मैं इसको अपनाऊंगा। जैसे एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं 11 दिन तक सत्संग में जाऊंगा। तो पहला था संकल्प, तो वो डेली जाते रहे, तो अब एक महीने से वो सत्संग में जा रही हैं। चाहे वह सत्संग का ताला ही बंद हो, वहां ना हो सत्संग, तो भी वो उस स्थान पे जाते हैं। तो यह है सबसे पहला संकल्प लेना। नंबर 2 पे आ जाता है उसके बाद कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। मान लो कि जब मैंने संकल्प ले लिया अपनी आत्मा को साक्षी रख के कि मैंने सुबह उठना है, कुछ भी हो जाए 4 बजे उठ जाना है, अब मैंने अभ्यास करना है पहले दिन से जो अगला आने वाला है कि हाँ, हमने एक संकल्प लिया है कि हम सुबह उठते रहेंगे, तो उस संकल्प के ऊपर चलने को अभ्यास कहते हैं।
अभ्यास ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है, टूटे नहीं, कुछ भी हो जाए हमने तोड़ना नहीं है अभ्यास। एक सिंपल सी मिसाल देते हैं कि आप कहोगे कि हम तो पूरे आलसी हैं, हम कैसे सुबह उठ सकते हैं। तो हमने मिसाल लेनी है उस रस्सी की है, जो ये सोचती है कि मैं पत्थर को काट देना है, उसने कुछ भी नहीं करना। आप पुराने जमाने में जब बाल्टी खींचते थे तो वो रस्सी घस जाती थी, घिसती जाती थी, तो एक बार वो पत्थर को भी काट देती थी। आपने देखा ही होगा कि वो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाती हैं। यही मिसाल प्रैक्टिस की, अभ्यास कीजिए। तो मान लो कि आपने 4 बजे एक संकल्प लिया है, आज संकल्प लिया है कि मैंने 4 बजे उठना है, तो कल जब उठ जाओ तो सारा दिन इसी में ही बिता दो। हाँ, वो एक टाइम, वो एक समय, 4 बजे मैंने वो उठना ही उठना है। सारे दिन की एनर्जी जैसे रस्सी खींच रही है ना, आपके मन के विचारों का अभ्यास, वो मन रूपी रस्सी को बार बार खींचना है। रस्सी ऊपर जाएगी, रस्सी नीचे आएगी, पत्थर को काटना है। तो वो रस्सी चाहे निर्बल थी, पत्थर बलवान था, पर रस्सी ने उस पत्थर को भी काट दिया, उसके ऊपर उसके निशान हो गए। ऐसे ही हमारे विचारों पर अभ्यास चलना चाहिए, अभ्यास करते जाइए। फिजिकल नहीं है, आप सुबह उठोगे, अगर आपने अपने 24 घंटे लगातार अभ्यास किया है, सबसे पहले संकल्प लिया उसके बाद अभ्यास किया, ये एक अच्छी आदत है, मैंने सुबह उठना ही है, तो 24 घंटे का अभ्यास यही होगा कि आप सोओगे ही नहीं, 4 बज जाएंगे। मैंने अपने जीवन में एक बार तो ऐसे भी किया कि यार रोज हो गया मैं सुबह उठता ही नहीं हूं, तो मैंने सुबह से लेकर रात तक यही सोचता रहा सुबह उठना है। तो मैंने सत्संग लगा दिया, रात को चलता 1 बजे 2 बजे, तो ऐसे ऐसे करके वो मेरी जिंदगी का पहला संकल्प जो इंसान ने सोचा वो पूरा हो गया। अभ्यास में तो उसमें ही ध्यान होता है, सोने में कहां ध्यान होगा। तो अभ्यास में इतनी शक्ति है कि जो आलसी व्यक्ति है वो भी उठ जाता है। अभ्यास करते रहिए, ऐसी कोई भी मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद तीसरी बात आती है ध्यान, कंसंट्रेशन, फोकस। बहुत सारी अच्छी आदतें हैं। तो मान लो कि मैं अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं, मैं अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो मैंने क्या करना है। हाँ, ये मेरा संकल्प है, अभ्यास हर वक्त यही बात सोचनी है, अपना जो ध्यान है इस तरफ जाए या सामने जाए, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक व्यक्ति यहां दिखता है तो उसे यहां नहीं दिखाई देगा, एक व्यक्ति यहां दिखता है उसे यहां नहीं दिखाई देगा, ये बंधुओं यहां नहीं दिखाई देगा। अगर वो यहां देखना चाहता है, ना यहां दिखाई देगा ना यहां दिखाई देगा। इसी तरह अगर वह लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहता है तो अपना ध्यान उसी तरफ रखे। हाँ, मैंने ध्यान ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई, मैंने अच्छा व्यवहार करना है। अपने दिमाग को शक्ति देनी है, अच्छा व्यवहार करना है। एक ही बात के ऊपर ध्यान दे देना, इसको कहते हैं जो कंसंट्रेशन है, मेंटल की प्रैक्टिस है, अभ्यास है। आपके पास यहां से विचार आते हैं, पहली बात कही आपने संकल्प लेना है, दूसरी बात अभ्यास। तीनों तरीके का हो सकता है, धन का भी, मन का भी, और फिजिकल भी हो सकता है अभ्यास है। आप बाल्टी भरते हो वो भी अभ्यास है आपका, पर जो ध्यान है वो सिर्फ दिमाग का अभ्यास है। अपने शरीर के इस एंगल तक सोच लीजिए, कुछ भी नहीं है, ठीक इस एंगल में हमेशा उसी बात को सोचिए जो आपने अच्छी आदत बनानी है। सुबह उठना है, इसी विचारों को इधर लेके आइए, हमेशा ही यही सोचते रहिए, हाँ सुबह उठना है। और हमेशा ही आपकी जो कंसंट्रेशन होगी, आपकी फोकस होगी, मन भटकेगा, रात होने वाली है, सुबह उठना है, सोते सोते विचारों में आप यही कहते हो तो सुबह उठ जाओगे, ठीक। तो यही अच्छी अच्छी आदतों को बनाने का तरीका है। अब आ गए हम चौथी बात पे, प्रिय बंधुओं, प्रिय भाइयों, अब चौथी बात है पेशेंस। आपने संकल्प ले लिया, हाँ मैंने अच्छी आदत डालनी है, दोनों हाथों ऊपर करके आपने कह दिया कि हाँ मैंने अच्छी आदत डालनी है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रतिज्ञा है,
यह एक वचन है जो मैंने अपनी आत्मा को दिया, तो उस संकल्प के लिए आपने अभ्यास भी किया, उसके लिए अपने मन को कंसंट्रेट किया एक फोकस पे, एक पॉइंट पे कि हाँ ये शब्द है इसके ऊपर मैंने कंसंट्रेट हो गया, यही मेरा लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। अब बात क्या होगी, एक दिन तो आप उठ गए, सुबह उठ गए, आपने हिम्मत लगा दी, आपकी शक्तियां एक हो गई, एक हो गई आपकी शक्तियां। अगले दिन क्या हुआ, आपकी जो आदतें कई सालों से थी, 30 सालों से जो आपके संस्कार बने हुए थे, वो एक बार फिर धक्का देंगे, नीचे गिराएंगे। अरे मूर्ख, उस सुबह उठ के क्या करेगा, सो जा, सो जा, संकल्प तो तेरा पूरा हो गया है। अच्छी आदतें हमेशा ही होती है, हम सो जाएं तो सुबह उठ जाएंगे, वो आदत है, वो तो हमने शरीर को खींचा, एक आदत बनाने के लिए साहस पैदा किया, परंतु बिना पेशेंस से वो आदत छूट जाएगी, क्योंकि बहुत गंदी आदतें हैं जो वो दबा देती हैं। इंसान की जो आलस है वो लाखों सालों से, पता नहीं कितने जन्मों से हमारे ऊपर हावी है। मनुष्य तो उठ नहीं सकता, नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, उसका जो ध्यान है गलत आदतों का यही है, तू तो सोने के लिए बना है, सो जा, सुबह का टाइम है, सो जा। इतना उसके ऊपर संस्कार हमारे ऊपर हावी है, तो उसको हटाने के लिए आपने पेशेंस करना है, धैर्य रखना है। अरे इतनी आदतें आई हैं, मुझे पेशेंस रख के एक दिन और भी जागना चाहिए, फिर शक्ति को एकाग्र कीजिए, उससे एक संकल्प लीजिए। नहीं, जो वृक्ष होते हैं कितने साल लग जाते हैं फल लेने में, अपने मन को समझाइए, अगर आज मैं एक दिन उठ गया हूं इससे मेरी आदत नहीं बनेगी, इससे क्या है आदत नहीं बनेगी, मुझे वृक्षों की तरह अगर फल देने हैं तो मुझे रोज अभ्यास करना पड़ेगा। इसी का नाम पेशेंस है, इसी का नाम आपका है धैर्य रखना, रखते जाइए। एक दिन बीत गया, नहीं आज मैं फिर संकल्प करता हूं, आज दूसरे दिन भी मैं उठूंगा, फिर हाथों ऊपर उठाइए, उठूंगा सुबह दूसरे दिन, सुबह से लेकर रात तक एक ही बात, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, आपका टारगेट, आपने जो संकल्प लिया था उसकी मान मर्यादा रखिए, अपने विश्वास को, अपनी आत्मा को आपने एक एक टारगेट दिया है कि भैया तुमने 4 बजे उठना है, ये तेरी आदत बननी है, तो दूसरे दिन भी आपने क्या करना है, दूसरे दिन भी वही सुबह से लेकर 10 बजेंगे, नहीं अगर आज मैं सुबह नहीं उठ सकता तो दूसरे दिन मुझे जागना चाहिए, जागिए, तो जागते जाइए, भगवान का नाम लेती है, नहीं आज सुबह उठना है, मैंने अपनी आत्मा को वचन दिया है, धैर्य के साथ वो दूसरा दिन भी बीत जाएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 100-100 दिन का उपवास किया है इसी धैर्य के साथ कि नहीं हमने भोजन नहीं खाना, भोजन नहीं खाना, तो वो जुबान को सी देते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने 7 दिन का उपवास किया था, तो 7 दिन के उपवास मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ, तो हर दिन मुझे आवाज आती थी, ऐसे संस्कार आते थे, अब तो मर जाएगा, भूख से कब तक झगड़ा करेगा, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, उस दिन मैंने 7 दिन कोई काम नहीं किया, 7 दिन लगातार एक ही सोच थी, और मुझे बहुत खुशी है मैंने जीवन में 7 दिन उपवास किया। यह है आदत, एक बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल चाहिए। अपने पेशेंट होता है ना, पेशेंट आपको पता ही है, तो पेशेंट होता है वो पेशेंस रखता है, बीमारी ठीक हो जाएगी, मन को समझाता है मुझे आगे चलना चाहिए, डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे आपने अपनी आत्मा को समझाना है कि ये पेशेंस रखना है, मैं इस आदत को बना लूंगा, इस आदत को बना लूंगा, मुझे सिर्फ स्ट्रगल करना है, मुझे सिर्फ विश्वास के साथ अपने संकल्प की मान मर्यादा रखनी है, मुझे अभ्यास करते जाना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे ध्यान देना है उसकी तरफ, तो आपकी जो पेशेंस है वो आपको आदत बनाने में सहायक होगी। हमने पहली बात भी कह दी डिटर्मिनेशन, संकल्प मान होना चाहिए, हमने दूसरी बात भी कह दी कि हमें क्या है अभ्यास करना चाहिए, हमने तीसरी बात भी कह दी कि हमें रखना चाहिए कंसंट्रेशन, और चौथी बात है हमें पेशेंस चाहिए, वृक्ष की तरह लंबी टाइम के लिए एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। हमने छोटे छोटे पौधे होते हैं इसके, प्याज के सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर उसको काट लिया जाता है, आलू के पौधे को 6 महीने के बाद निकाल लिया जाता है, 2 महीने के बाद निकाल लिया जाता है, 3 महीने के बाद निकाल लिया जाता है, तो उनकी आयु कम है, उनमें पेशेंस कम है, हमने वृक्ष बनना है
जैतून का वृक्ष है 100 सालों के बाद बड़ा होता है। हमारे अंदर भी ऐसा पेशेंस आए कि ऐसा धैर्य आए हमारे अंदर कि हमने अपने काम की तरफ लगन के साथ लगे रहेंगे, इसका फल मिलेगा, हमारी आदत बनेगी, अच्छी आदत बनेगी इसी विश्वास के साथ। अब पांचवें पॉइंट पे मैं आ गया हूँ। प्रिय बंधुओं, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, कि हमें मजबूत इरादा रखना है। जब तक मजबूत इरादा नहीं है, आप अपनी आत्मा को भी झूठ बोल सकते हो। मजबूत इरादे का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर। अरे यही तो मैं चाहता हूँ जीवन में, इस मानव जीवन में आया हूँ। उसी फोकस के साथ, उसी लगन के साथ। एक मजबूत इरादा एक कमजोर इरादा होता है, टूट जाता है। एक मजबूत इरादा होता है, अगर आपका वेट 60 किलो है, पतली रस्सी चलेगी नहीं, टूट जाएगी, आप लटक नहीं सकते। आपने लोहे की रस्सी बनाई, उसके ऊपर लटक जाओ, लटकते हैं। आपने हेलीकॉप्टर में देखा, लोहे की रस्सी लगी होती है, उसके ऊपर एक जो एक्टिंग करने वाला एक्टर होता है, वो लटक जाता है। आपने अपने इरादे की रस्सी मजबूत रखनी है। क्या रखनी है प्रिय बंधुओं? इरादे की रस्सी मजबूत रखनी है। आप उसके ऊपर लटक जाओगे। मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा जो पावर है उसका इरादा है। हमने अपने इरादों में कहना है कि ये अच्छी आदत है, कमजोर जो आदतें हैं, जो गंदी आदतें हैं, वो मुझे रोक नहीं सकेंगी, क्योंकि मैं अपने आप को संकल्प दे चुका हूं कि मैं कौन है, ये आत्मा है, इसकी आवाज आनी चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए। उसके बाद है लगन। लगन जब तक नहीं है, तब तक जीवन में कुछ भी नहीं बन सकते। अच्छी आदतों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। लगन का मतलब है डिवोशन, आनंद आना चाहिए, भक्ति के साथ उसमें समर्पित हो जाइए। सुबह उठना, अच्छी सेहत, कितना आनंद आएगा। वो वक्त कितना अच्छा होगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। किसी की अच्छी आदत हो कि मैंने बहुत सारा धन कमाना है, कितनी अच्छी आदत है। धन की नदियां बहें, मेरे घर में इतना धन हो कि ये मकान भर जाए, कितनी अच्छी आदत है। उसके लिए लगन तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए। हमारी भक्ति कितनी है, हमारी भक्ति कितनी है, हम कितना उसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत लगाते हैं उसको। आपको पता है कि एक व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह 20,000 है, जाता है ऑफिस साफ करता है, काम करता है। एक कलाकार की आप एग्जांपल लीजिए, कलाकार कहीं जॉब नहीं करता, उसका काम होता है पेंटिंग बनाना। एक बार एक कलाकार ने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया, दिन रात एक कर दिया, उसने एक संकल्प लिया कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी तस्वीर बनाऊंगा। उसके ऊपर उसने अभ्यास किए, हजारों बार उसने फोटो बनाई और फाड़ के रख दी। उसके मन में एक ही विचार था, दुनिया की सबसे बढ़िया मास्टरपीस नहीं बन रहा, वो मुझे बनाना है। करते करते उसके 20 साल बीत गए। 20 सालों की जो उसकी तपस्या थी, उसने डिटर्मिनेशन किया था, उसने अभ्यास किया था, उसने कंसंट्रेशन किया था, उसने पेशेंस रखा था 20 साल, उसने मजबूत इरादे के साथ, लगन के साथ काम किया था, एक तस्वीर बन गई। वहां से राजा निकल रहे हैं, पेंटर की दुकान पे चले गए। राजा ने देखा, अरे वाह, कितनी अच्छी तस्वीर है, आया कितनी अच्छी है, ये तो महल में होनी चाहिए, सभी महल की तस्वीरें तोड़ दो, ये तस्वीर चाहिए। तो उसने उस कलाकार से पूछा, क्या कीमत है? तो कलाकार ने कहा, जो गद्दी के ऊपर आप बैठते हो, गद्दी मुझे दे दो, ये इसकी कीमत है। राजा ने कहा, ये इतनी अच्छी तस्वीर है, अगर आप मुझे कहो कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं, तो यह भी कम होगा, ये तो आपने गद्दी ले ली। तो उसने कलाकार को अपनी कुर्सी दे दी, अपने राजमहल की वो कुर्सी दे दी, वो फोटो ले ली, कहते इतनी सुंदर है, ये कैसे की आपने, कैसे बनाई? उसने कहा, इसके ऊपर मेरी 20 साल की लगन है, मैंने ना रात देखी ना दिन देखा, मेरा काम था एक अच्छी कलाकारी, मैं बेचना नहीं चाहता था, मैं मन को लोगों को ये कहना चाहता है, कोई राजा ये कहे कि ये सुंदर है। अरे मानवीय जीवन में आते हैं ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि यार कितनी अच्छी आदत है इसकी, अरे कितनी अच्छी आदत है इसकी, वैसे वो कहता है ये कितनी अच्छी तस्वीर है, वो अपनी कुर्सी भी दे देता है। अरे हमने वो चीजें बनानी है लगन के साथ, उसकी भक्ति उसके साथ जुड़ी हुई है।
एक दूसरी मिसाल देता हूँ आपको। एक बार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, काम वहां कम से कम ना हो 20,000 कर्मचारी लगातार काम करते रहते थे, 24 घंटे मशीनें चलती रहती थी। उसमें एक बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ी मशीन है, वो अगर मशीन रुक जाए तो 20,000 कर्मचारी फ्री में बैठ जाएंगे, वेले बैठ जाएंगे। तो क्या हुआ, 6-7 महीने वो चलती रही मशीन, हो गई खराब। तो वहां के इंजीनियर, वहां के मैकेनिक, वहां के ठीक करने वाले ने पूरा जोर लगा दिया, मशीन ठीक नहीं हुई ठीक। तो उन्होंने मालिक को कहा, मालिक जी ऐसा है, अगर नई मशीन लोगे तो 2 महीने लग जाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है, 2 महीने समुद्री जहाज चलते थे, हवाई जहाज तो चलते नहीं थे, समुद्री जहाज पे आएगी, 2 महीने लग जाएंगे, हमारा काम डूब जाएगा, आप कंगाल हो जाओगे, मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, उन्होंने कहा दूसरे शहर में एक अच्छा विद्वान व्यक्ति रहता है, अच्छा इंजीनियर रहता है, कहता है वो हाथ लगाता है मशीन ठीक हो जाती है, कह बुलाओ उसको। तो वो व्यक्ति, वो सज्जन, वो महान आत्मा आ गई वहां, सभी मशीनों को देखा उसने, उसने वो जो बड़ी मशीन थी उसको देखा, उसने एक खास तरह का औजार बनाया, हथौड़े की तरह औजार था, उसने उस मशीन के खास जगह पे उसको लगाया तो सभी मशीनें चलने लग गई। अब वो जो मालिक था उससे पूछा क्या फीस है, उसने कहा कि अगर आपने मेरे को कहा तो मैंने आपको यह कहा फीस मेरे मुताबिक होगी और काम आपका होगा, तो आप बताइए क्या फीस लेंगे। वो कहता कि जितना मुनाफा कमाते हो वो आधा मुझे देना और लाइफ टाइम देना। अरे वो कहता एक हथौड़ा आपने लगाया, औजार बनाया, इतना लाभ मांग रहे हो। वो कहता ये 40 साल की तपस्या है मेरी। कितने साल की है, 40 साल की, मैंने लगन के साथ काम करता, मैंने कहा मेरी एक अच्छी आदत हो, जिस मशीन को हाथ लगाऊं वो ठीक हो जाए, मैंने तो सिर्फ हाथ लगाना था, ये मशीन तो ठीक हो जाएगी, ये तो विश्वास था मुझे, क्योंकि मेरी आदतें बनी हुई हैं, मैंने यही संकल्प लिया है, मैंने डिटर्मिनेशन एक फोकस रखा है, इंसान के अंदर एक फोकस हो के उसने एक अच्छी आदत बनाई कि जिस मशीन को हाथ लगाऊं वो ठीक हो जाए और कीमत मैं अपने दिल की लूं, यह मेरी आदत है। अच्छी आदत तो कोई भी हो सकती है, उसकी एक अच्छी आदत थी कि जिस मशीन को हाथ लगाता था वो ठीक हो जाती थी। वो कहता है फिर भी इतनी कीमत क्यों ले रही हो। उसने फिर कहा कि इसमें मैंने मजबूत इरादे के साथ काम किया है, मुझे पता है कि इन 2000 मशीन को ठीक करने औजारों में कौन सा औजार इसके लिए उपयुक्त है। तो ऐसे ही आपने देखा कि लगन के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं, जीवन बदल गया है, हमने भी अपने जीवन को बदलना है। तो आज आप भी संकल्प लीजिए, कोई भी एक अच्छी आदत को आज हमने बना के ही जाना है, अपने आत्मा से, अपने संकल्प से पहला स्टेप हमने लेना ही लेना है। क्या स्टेप लेना है, संकल्प लेना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या उठाना है, आप प्रिय बंधु दूसरा स्टेप बताइए क्या उठाना है, अभ्यास करना है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है जो मैंने आप आज